दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गौतम राणा। मैं नानोमता उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं बहुत दिनों से, लोगों की ख्वाहिश थी, लोग बहुत मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि भैया आपने सेल से रिज़ाइन क्यों किया। मैं उसका जवाब कई दिनों से देना चाहता था, कई सालों से ये बात देना चाहता था, लेकिन मैं दे नहीं पाता था। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं इसका जवाब दूँ। फ़िलहाल मैं अब यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया है, तो मैंने सोचा इस चीज़ का भी लोगों का जो जिज्ञासा है लोगों की, वो मैं दूर करूं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखिए पीछे मेरे झरना बह रहा, बहुत बढ़िया झरना बह रहा, नेचर लवर हूं मैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा झरना है। तो देखिए चलो, हाँ तो मैं आपको बताने जा रहा था। देखिए मैंने जो बीटेक की है वो NIT जालंधर से की है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 2014 में। तो मेरा सिलेक्शन जो है जस्ट कॉलेज के टाइम में ही मैंने पेपर दिया था, तो उसी टाइम मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। इंटरव्यू जो है, जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उस टाइम जिस टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा था, उस टाइम मैं दिल्ली में कोचिंग करने चला गया था MADEZY में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। IES बोलते हैं, ये UPSC लेता है। तो दिमाग में था कि इंजीनियर बनना है, जब इंजीनियरिंग की है तो भैया इंजीनियर तो एक बार बन के दिखाना ही है। तो फिर फाइनली फिर मैं इंटरव्यू गया कलकत्ता, उसके बाद मेरा जब फाइनल रिजल्ट आया तो मैं क्लियर था। फिर मेरे को जो ज्वाइनिंग मिली वो राउरकेला में मिली, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, बहुत ही सुंदर जगह है। राउरकेला ज़रूर होके आइए आप, बहुत ही ग्रीनरी, प्यारी, पीसफुल जगह है। जो टाउनशिप है वहाँ पे सेल की, तो वो बहुत ही बढ़िया टाउनशिप है। आप देख के मतलब हैरान रह जाएंगे, कहेंगे ये कोई शहर है, प्लान सिटी है ये। तो जब ज्वाइनिंग हुई तो बहुत ही खुशी हुई, भैया पहली नौकरी है, वो भी लड़का इंजीनियर बन गया। सीधे कॉलेज से निकलते ही जस्ट पास आउट ही हुए थे, 2-3 महीने हुए थे कि कॉल लेटर आ गया था। घर वालों की बहुत खुशी हुई, मैं भी बहुत खुश था। रात को नींद नहीं आई जिस दिन रिजल्ट आया कि भैया इंजीनियरिंग ये वो, ऑफिस होगा बढ़िया सा और लोग सलाम ठोकेंगे, इस तरह की फीलिंग आने लग गई। फिर जब हमने वहाँ ज्वाइन किया राउरकेला में, तो हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग हुई, 3 महीने की इंडक्शन ट्रेनिंग थी। हमें इंडस्ट्रियल टूर भी घुमाया गया, तो हम काफ़ी जगह गए। भिलाई स्टील प्लांट देख के आए हम, और विशाखापट्टनम गए, हैदराबाद गए, अलग अलग जगह पे, यहाँ क्या बोलते हैं, टाटा नगर भी गए। टाटा नगर जो जिसको जमशेदपुर कहते हैं, वहाँ हम देख के आए। वहाँ पे हमारा कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स हुए। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही। उसके बाद जो है हमें डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया, अलग अलग बंदों को अलग अलग। सेल में दोबारा से इंटरव्यू हुआ डिपार्टमेंट अलॉट होने से पहले। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये खासकर PSUs में जो है, जिस ब्रांच से आपने पढ़ाई की है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही फील्ड दिया जाए। आपको कोई भी फील्ड दे सकते हैं जहां वैकेंसी खाली हो। तो मुझे ऑपरेशंस में डाला गया, जो कि प्योरली मेटलर्जी का काम होता है जिसमें। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो होते हैं, ये जनरली मेंटेनेंस का काम करते हैं। ठीक है, और इनकी जनरल शिफ्ट रहती है। जनरल शिफ्ट का मतलब है डेली 10 to 6 या 9 to 5। ठीक है, और जो ऑपरेशंस में जिनकी ड्यूटी होती है, जिनको मिलता है, उनकी शिफ्ट में ड्यूटी होती है। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं। एक सुबह मॉर्निंग शिफ्ट, सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर 2 से रात के 10 बजे तक की शिफ्ट होती है, फिर रात के 10 से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट। ABC करके 3 शिफ्ट बोली जाती है, और ये रोटेट होती रहती हर हफ्ते। तो मुझे जो है ऑपरेशंस में दिया गया, और जो कोर डिपार्टमेंट होता है स्टील का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कोर डिपार्टमेंट है स्टील मेल्टिंग, जिसे जहाँ पे कहा जाता है इसको स्टील मेल्टिंग शॉप। तो SMS 2 मुझे जो है डिपार्टमेंट मिला था राउरकेला में। बहुत ही एडवेंचरस, जब पहली बार मैं उस डिपार्टमेंट में गया, जब देखा वहाँ, तो मतलब चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअल में वहाँ जिस दिन हमने वो डिपार्टमेंट देखा, उस दिन ये पाया कि उस दिन एक हादसा हो गया था, एक मेटल जो है वो लीक हो गया था। हॉट मेटल, गरम गरम लोहा एकदम, जिसे कहते हैं बाल्टी में भरा होता है, बहुत बड़े बड़े लेडल बोलते हैं। तो उसको आप मतलब नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते क्लियर, नेक डाई से आप को चश्मा लगाना पड़ता है, नीला चश्मा दिया जाता है। तो वो उससे हम देख रहे थे, जो मतलब देख के लग रहा था कि क्या चीज़ है ये ना, मतलब कोई भी आदमी के कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। लेकिन फिर भी वहाँ फिर मेरी ज्वाइनिंग होगी, फिर मैंने वहाँ कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने पे जो है फिर मेरे को ग्राउंड रियलिटी, जिसे बोलते हैं शॉप फ्लोर पे जो ग्राउंड रियलिटी है, वो पता लगी कि
स्टील प्लांट में काम करना कैसा होता है, स्टील प्लांट या किसी भी इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग पीएसयूज में खासकर। फिर शिफ्ट चालू ही और जो वहाँ जो मैंने फैक्ट्रियों में जो मैंने पॉल्यूशन देखा खासकर जहाँ मतलब आप जूनियर मैनेजर वहाँ बनते हो या इंजीनियर कह लो, शुरू में वहाँ जूनियर मैनेजर की पोस्ट इसे कहा जाता है, मैनेजमेंट ट्रेनी जो ज्वाइन करते हैं सेल में, तो फिर जो है मतलब आप कुर्सी में बैठ नहीं सकते, कुर्सी इतनी गंदी होती है क्योंकि वो जो स्टील है वो चार चीज़ों से बनता है, आपका जो आयरन ओर है, आयरन ओर कोयला है और लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है, तो अगर कहीं लाइमस्टोन आ रहा है कोयला आ रहा है तो वहाँ काला काला ही या सफ़ेद सफ़ेद ही आपको हर जगह दिखेगा, तो ये चीज़ भी है। फिर यहाँ तक कि जो हमारे सीनियर मैनेजर होते हैं, चीफ मैनेजर, एजीएम वगैरह, वो उन्हें फील्ड में ही काम करना होता है, वो भी ये नहीं है कि वो बैठ सकते, उन्हें शॉप फ्लोर पर रहना, प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारी ड्यूटी चलती रही। फिर मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो मैंने इंजीनियरिंग की, मतलब मैंने इस चीज़ के लिए की कि रात रात भर जगो, सुबह जगो, फिर मेरे दिमाग में आया कि हम टेक फील्ड में जो है खासकर पीएसयूज में लाइफ बहुत कंजस्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ बेकार है, लाइफ अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है ज़रूरी नहीं है कि वो हर बंदे का यही एक्सपीरियंस हो, सेम जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही वो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है, या जिस तरह से मैंने परसीव किया है वही परसेप्शन दूसरे बंदे को, कई बंदे थे मेरे साथ के उसी डिपार्टमेंट जो काफ़ी खुश थे, हैप्पी थे देवर, खैर मैं भी हैप्पी था कई जगह, कई बार मज़ा भी आता था भैया देखते हुए, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, जो लोहा आप जर्नी देखते हो, रेल की पटरियाँ ये कैसे बन रही हैं, कैसे नदियाँ तैरती हैं वहाँ, तो गर्म लोहे की 2000 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अमेजिंग है, वो ऐसे किसी को नहीं मिल सकता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है कि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लिया। तो फाइनली मैंने सोचा इससे बढ़िया ये ब्लू कलर जॉब होती हैं, इससे बढ़िया आप नॉन टेक फील्ड चूज़ करिए, एटलीस्ट वाइट कॉलर जॉब रहेगी आप, क्लीन वाली और शिफ्ट की ड्यूटी नहीं रहेगी। तो मैंने फिर नॉन टेक की सोची, मैंने फाइनली रेजिग्नेशन का ऑप्शन दिया और पर्सनल रीजन से मैंने रिजाइन कर दिया। फिलहाल मैं वहाँ फिर तैयारी भी करने लग गया था SSC UPSC वगैरह की, तो वो स्टोरी खैर बाद की बात है। तो सेल की कुछ मैं आपको प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बता देता हूँ, सेल के बहुत सारे प्रॉस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कॉन्स है। तो प्रॉस ये है कि सेल की जो टाउनशिप होती हैं वो बहुत ही बढ़िया होती हैं, राउरकेला की तो खासकर बहुत ही बढ़िया टाउनशिप है, और आपको क्वार्टर मिलते हैं, मुझे भी क्वार्टर मिला था, बढ़िया क्वार्टर था, चारों आसपास ग्रीनरी थी, सेपरेट क्वार्टर था। और हाँ, क्वार्टर से मुझे याद आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई थी मेरे साथ, कि वहाँ पे मेरा क्वार्टर जो था वो सेपरेट था, तो चोरी होने लग गई थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल से क्वार्टर मेरा खाली था, अलॉट तो हो गया था मुझे, लेकिन वहाँ चोरी डकैती होने लगी, दो दो दरवाजे थे, दो दो लॉक लगा रखे थे और एक जाली अलग से लगवा रखी थी, पहले से जो रहते थे उन्होंने लगवाई थी, तो वो भी तोड़ के वहाँ से टंकी पाइप पता नहीं क्या क्या चोरी कर ले गए, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत वाली बात थी। फिर मैंने किसी को एक वहाँ पड़ोस में कोई वो रहते थे कोई मतलब मजदूर वगैरह, मैंने उनसे कहा कि भाई 50 रुपये दिन के ले लो, लेकिन मेरे क्वार्टर में रह लो बस। वो एक दो दिन रहे, फिर मुझे लगा कि शायद रहते हैं या नहीं रहते हैं पता नहीं, अब ऐसे में पैसे दे रहा हूँ, तो फिलहाल मैंने डिसाइड किया कि मैं ही रह लेता हूँ। तो एक दो दिन मैं रहा वहाँ, मैं लिटरली रात में जो वहाँ सामने पेड़ था, तो पेड़ देख के डर लगने लगता था कि रात में, एक तो रात में डरावना, तो मैं फिलहाल मेरे पास एक रेडियो था, तो रेडियो चला के मैं सोया एक दिन। और एक दिन जो है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रात में हेडफोन लगा के मैंने कहा तुम मेरे से बात करते रहो, तो बात करते करते मैं सो गया, तो ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है। तो उसके हाँ मैं प्रॉस बता रहा था, प्रॉस ये है आपको क्वार्टर मिलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वार्टर मिलते हैं, टाउनशिप आपकी बढ़िया है, प्लस अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, सेल के अपने हॉस्पिटल्स हैं, तो सब बढ़िया ही है। कौन सी ये है कि क्या कहते हैं, अरे यार मत आया करो बीच में यार। ऐसे मत देखो घूर घूर के, ठीक है। कौन सी है कि पॉल्यूशन बहुत है वहाँ पर, फैक्ट्री के अंदर जब आप काम करोगे, जब शॉप फ्लोर पे काम करोगे, तो आपको पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन मिलेगा, प्लस शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, नाइट शिफ्ट को झेलना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक जस्ट हम स्टूडेंट लाइफ से निकलते हैं, तो उसके बाद की लाइफ जस्ट, खासकर आपकी पहली जॉब हो, तो आपको नाइट शिफ्ट आपसे नहीं झेली जाएगी। तो ये कुछ कॉन्स हैं, बाकी हैजार्डस जॉब रहती है, देखो हर आप 2000 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हो, और कभी भी जो है हॉट मेटल लीक कर सकता है कहीं से भी,
विस्फोट भी होते हैं, कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो ये इसके कॉन्स हैं। और बाकी उसके बाद जो है मैंने फाइनली जो है फिर मैंने रिज़ाइन किया, पर्सनल रीजन से रिज़ाइन किया था। सिंपल मैंने एक रेजिग्नेशन लेटर डाला था कि मेरे को या तो रेजिग्नेशन दे दो या मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दो, मेरे को अपना कोर डिपार्टमेंट दे दो, इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने फाइनली मेरे को रेजिग्नेशन लेटर ऑफर कर दिया, उन्होंने रिलीव कर दिया मुझे। तो खैर ये भी अच्छा ही हुआ, ठीक है, मेरे लिए तो खैर अच्छा ही हुआ। देखो जो अंत भला तो सब भला, तो ये सब है। और बाकी और भी बातें करेंगे हम धीरे धीरे, मिलते हैं आपसे, आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाय गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो मैं आपके समक्ष पेश कर सकूँ इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने बता सकूँ और ऐसे ही अपडेट्स आपको दे सकूँ। और ये मेरे साथ है, ये वही लड़की है, वही गर्लफ्रेंड जिनके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में मैंने बात की है, ठीक है, जो कि अब मेरी धर्मपत्नी बन चुकी हैं। अब तो यही है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।